काल के बीच विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं को लेने पहुंच रहे हैं भक्त। जिला प्रशासन ने शहर में सार्वजनिक रूप से होने वाले आयोजनों पर लगाई है रोक। जी हां, आपको बता दें, विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी का आयोजन इस बार कोरोना काल के चलते फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर कानपुर के गोविंद नगर में स्थित मूर्ति बाजार में लोग कोरोना के कहर के बीच भी बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्याओं में खरीदार अपने अपने घरों में मूर्तियां स्थापित करने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने इस बार कोरोना के कहर को देखते हुए शहर भर में होने वाली गणेश पूजा के आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसके चलते इस बार शहर में महल जैसे सजने वाले बड़े बड़े पंडाल, जो कि आकर्षण और भक्ति का केंद्र बनते थे, वैसा नज़ारा इस बार शहर में नहीं दिखेगा। वहीं शहर में आम लोगों की माने तो वो गणेश चतुर्थी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, मगर कोरोना होने की वजह से इस बार वो भगवान गणेश की पूजा अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करेंगे। शिवराजपूत नाम है हमारा, और गणपति की मूर्ति कई सालों से रखते चले आ रहे हैं और हमेशा रखते रहेंगे। कोविड-19 को देख करके इस बार किस तरह से आप लोग विसर्जित करने जाएंगे? पहले पंडाल बना के लगाते थे, अब की घर के अंदर भी इसका वो कर रहे हैं। विसर्जन करने से फैमिली के 4-5 लोग जाएंगे बस। ले जाते हैं, कितनी बड़ी मूर्ति लिए जाए? मूर्ति 2.5 फुट की जा रही है हमारी मूर्ति, 10-10 फुट की जाती है। जी, जाओ। तो किस तरीके से पंडाल? पहले से करीब 7-8-9 फुट तक की मूर्ति हमारी जाती थी पहले। कोविड-19 को देख कर इस बार किस तरह का माहौल है मूर्ति रौनक तो बिल्कुल वो है, क्योंकि हर आदमी इसमें परेशान है। क्या नाम है, कहाँ से है, क्या लेना है? हम यहाँ सफ़ेद कॉलोनी से आए हैं, नाम है मेरा दीपक लखानी। हम यहाँ गणपति की वो लेने मूर्ति लेने के लिए आए हैं। हम 5 साल से अपने घर में स्थापना करते हैं और पांडा नदी में जाके विसर्जन करते हैं हम लोग, पर इस बार ऐसा कोविड-19 को देखते हुए, ऐसी महामारी को देखते हुए हम लोग घर में ही विसर्जन करने का इस बार सोचा है। पर इस समय ऐसी धूम धड़ाका ना हो के बहुत बहुत वैसा लग रहा, फील हो रहा है कि कैसा वो आ गया है समय, जो हम लोग इंसान से मिल नहीं पा रहे हैं और ऐसे धूमधाम से मना नहीं पा रहे हैं। जैसे पहले लेके जाते थे, हमारा ध्यान वैसा ही है कि हम उससे बढ़ चढ़ करके ही हम लोग लेके जाएँ। मैं इतनी छोटी सी बस लेके जाना चाहूँगी, जो घर में ही विसर्जन हम अपने टब में बना पानी डाल के विसर्जन कर सकें और हम लोग वही मिट्टी अपने गमलों में क्यारियों में डाल दें।